से बात करने का वक्त हो गया है। संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने स्टॉक आइडियाज लेके। संजीव जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार का हाल बयां करिए, आपके चेहरे पे बहुत ही बढ़िया सी मुस्कुराहट ही बता रही है कि आप खुश हैं मजाक को देख के। ओवरऑल बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग आपको भी, डिम्पी को भी और सत्य को भी। देखिए सत्य वचन, जो बने रहेगा वही कमाएगा, जो इंडिया पे बुलिश है वही रहेगा, बाकी सब गए तेल लेने, समझ आई। जो फॉरेनर 15,000 कह रहे थे 20,000 पे चाट के ले रहे हैं। तो वी आर सुप्रीम, आई एम सुप्रीम, यू आर सुप्रीम एंड इंडिया इज सुप्रीम, पहली बात, नॉट बीइंग अ पेट्रियट। सेकेंडली अजय जी, ऑब्वियसली द वॉलिटिलिटी इज योर फ्रेंड इफ यू टेक एडवांटेज, बट देयर इज अ सेइंग, यू कांट रन विद द हेयर्स एंड हंट विद द हाउंड्स। अगर है माल तभी आप राजे हो, ये बातें हैं करने की। अभी भी म्यूचुअल फंड कैश पे बैठे हैं, हाउ कैन यू गेट अ, व्हाट विल यू गेट अ फॉल फॉर। नाउ इन दिस होल गैमट देयर विल बी अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म। आपको शायद बता दूं, पिछले हफ्ते आपको अर्निंग्स पे कहा था HCL टेक की एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन एट 1100, मिस मत करना 1175 का टारगेट, 1175 हो गया। टेक महिंद्रा मेरा ईयर फेवरेट था, 980 पे 1250। कैनफिन होम 465 वाला दिवाली न्यू ईयर पिक था 820। शेयर मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो इन्वेस्टेड रहेंगे। शॉर्ट टर्म में वी आर डेफिनेटली यू नो मे बी ओवर प्राइस्ड, ओवर बॉट, बट हुज टू ब्लेम। ग्लोबल रैली देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, डाउ इज जस्ट हिट अ न्यू हाई, सो द अंडरलाइंग रिमेन्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, इज ओनली इजी टू स्टे स्पेंड टाइम इन द मार्केट। इस कारण से वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, वी आर रॉन्ग मोस्टली, योर ओनली मंत्रा इज बीइंग पॉजिटिव ऑन इंडिया। ठीक है, तो भसीन साहब का हमेशा की तरह बुलिश व्यू और रिकॉर्ड ऊंचाई पर, भसीन साहब को आप सुन लीजिए, आपका दिन बन जाएगा। और एक और चीज़ है, खूबी है भसीन साहब की, कि बाजार का मूड चाहे जो भी हो, टेक्निकल फंडामेंटल्स जो भी कह रहे हो, आप भसीन साहब को सुनिए, आपके अंदर खून का जो दौरा है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। भसीन साहब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अब शेयर कौन से लेने हैं। अरे शेयर तो बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन मैं अभी भी कहता हूं टाइटन के इस क्वार्टरली नंबर्स विल बी बेटर देन द लास्ट टू क्वार्टर्स, माने दोनों क्वार्टर्स को मिला के होएगा, क्योंकि अभी राखी भी आ रही है, बाकी फेस्टिवल्स, और आजकल जिस तरह से टाइटन ने आईवेयर और बाकियों में यू नो देव जस्ट एक्सपेंडेड अबाउट 1000 मोर स्टोर, तो मुझे लगता है टाइटन इज अ नो ब्रेनर, इट इज एन एक्सपेंसिव स्टॉक, बट ये दिवाली आपको टाइटन 3500 रुपए का भाव दिखेगा, तो लार्ज कैप में टाइटन। दूसरे मुझे तीनों अडानी शेयर बहुत पसंद है। अडानी पोर्ट ने अभी बताया है कि रिकॉर्ड टर्नओवर ऑन द पोर्ट्स एंड द टनेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, द बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इज बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स। अडानी पोर्ट मुझे मेरे हिसाब से 800-850 का भाव आना चाहिए बाय दिवाली, तो अडानी पोर्ट। दूसरे सीमेंट में अब बारिश हो गई, रेट्स विल गो अप, और यू कांट हैव अंबुजा ACC ट्रेड एट हाफ द मल्टीपल ईवी टू एबिटा ऑफ अल्ट्राटेक। अंबुजा इज हेडेड टू 475 और ACC मेरे कहने पे लीजिए, ये 2200 का भाव आपको दिखा देगा। ACC अंबुजा आर नो ब्रेनर्स। पांचवा आपको कहना चाहता हूं कि चंबल फर्टिलाइजर कैन बी अ डार्क हॉर्स। आई थिंक ऑल बैड न्यूज इज इन द प्राइस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ परफॉर्मेंस एज यूरिया एंड फॉस्फेट स्टार्ट टू पिक अप। दे ऑल्सो हैव अ बिजनेस इन शिपिंग विच इज डूइंग वेल। और लास्ट अजय जी, मेरा डार्क हॉर्स देखिए न्यू हाई पे है, SW सोलर। 750 का भाव दिखा दूंगा इस साल, नहीं तो अगले मार्च तक। 350 पे अगर हिम्मत है तो लीजिए, 750 के भाव से पहले मत बेचिए। 18 करोड़ की एबिट्टा में अगले दो क्वार्टर में एबिट्टा पॉजिटिव हो जाएगा। 15,000 करोड़ का ऑर्डर है विदाउट द पेरेंट, सो यू कैन इमेजिन वेयर दी स्टॉक्स कैन रीच। इसका नंबर कब आएगा? नंबर आ गया इसका, और इसके ऊपर सूरज चमक रहा है, और कल भी 14-15% ऊपर था, तो काम तो हो गया है, रेडार पे आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत बढ़िया। SW सोलर आपका खासा स्टॉक था,